नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। थाना संजीवनी नगर अंतर्गत हुई अंधी हत्या का 3 दिन के अंदर पर्दाफाश। रुपयों के बंटवारे के विवाद पर साथी मजदूर ने ही की थी हत्या। जबलपुर के थाना संजीवनी नगर में 90 क्वार्टर नाला के पिठोल के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना पर थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्रीमती पूर्व चौरसिया हमरा स्टाफ के साथ पहुंची। 90 क्वार्टर नाला में एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 30 वर्ष का शव रक्त रंजित सौंधे मुंह गड्ढे के अंदर नाले में पड़ा मिला। नाले के ऊपर रक्त के निशान है। अज्ञात मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिस पर कि मृतक की शिनाख्त सूरज प्रसाद झारिया उम्र 30 वर्ष निवासी श्रीराम नगर मदल महल के रूप में हुई। घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एचआर पांडे, एफएसएल अधिकारी डॉक्टर नीता जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण श्री कमल मौर्य मौके पर पहुंचे। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत एक 90 क्वार्टर्स है, वहाँ जो उनका नाला है उसकी मेन होल में डेड बॉडी मिली थी और उसके फेस पे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें हमारे एसएसपी सीएसपी थाना प्रभारी सभी ने गंभीरता से लेते हुए लगातार उसकी डिटेक्शन के प्रयास किए और 3 दिवस के भीतर उसमें पूरा मर्डर का खुलासा हो गया है। उसमें मृतक जो सरजू झारिया था जिसकी आइडेंटिफिकेशन किया गया और उसको मारने में उसका एक साथी अजय बरखड़े जो कि डिंडोरी जिले के शेखपुरा का रहने वाला है, विशेष थाना क्षेत्र में, उसके द्वारा मामूली से मजदूरी के विवाद को लेकर, जिनके द्वारा जो भुगतान किया गया था उसके भुगतान को लेकर विवाद हुआ और उसने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को खींच के मैनहोल में डाल दी थी। आरोपी पकड़ लिया गया अजय बरखड़े और उसने हत्या का अपराध को मिट किया। ये दोनों आपस में दोस्त परिचित थे दोनों और दोनों लोग काम साथ में ही निगरान कर रहे। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।